बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप हमारी वीडियोस को एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस एस्ट्रो तक के फेसबुक पेज पे या तक ऐप पे जाके भी देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे सुनिधि मेहरा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्या आपको बहुत बार आपके मन में डर ज़्यादा रहता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ का पर्पज़ ही नहीं पता, आपको ये ही नहीं पता कि आप ज़िंदगी में क्या करने आए हैं, क्या आपकी लाइफ का गोल है? या आपके मन में डर ज़्यादा रहता है कि पता नहीं मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे जो प्यार करने जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी ज़िंदगी पे आपके मन में डर रहता है? क्या आपके मन में खौफ ज़्यादा रहता है? तो आज की वीडियो जो है वो है रूट चक्रा से रिलेटेड। रूट चक्रा यानी कि मूलाधार चक्रा। रूट चक्रा जो है हमारा बेस है। जैसे किसी घर की अगर फाउंडेशन यानी कि बेस स्ट्रांग ना हो तो वो घर ज़्यादा देर तक टिका नहीं रह सकता। उसी तरह से हमारी बॉडी में जो रूट चक्रा है, जो मूलाधार चक्रा है, उसका बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर फीमेल्स में मूलाधार चक्रा जो है वो वीक होता है, वो बैलेंस नहीं होता। ज़्यादातर कह रही हूँ, बहुत लोगों का ठीक भी होता है। बहुत बार मेल में भी जो रूट चक्रा है वो वीक हो जाता है, वो बैलेंस नहीं रहता। तो इसके कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है? आपके मन में डर ज़्यादा रहता है, सुसाइडल थॉट्स रहती हैं, आपको अपनी लाइफ का पर्पज़ ही नहीं समझ लगता, आपको लाइफ में हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, जॉब को लेके, अपनी लिविंग को लेके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लैक करती है, आप में जो लो सेल्फ इस्टीम रहती है, गिल्ट ज़्यादा रहती है, आपको बहुत जल्दी गिल्ट की फीलिंग आ जाती है कि पता नहीं मैंने ठीक किया कि नहीं किया, मेरे से गलत तो ना हो जाए, यू नो, आपके मन में गिल्ट की फीलिंग जो है वो ज़्यादा रहती है। और अगर आपको दांतों के रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, अगर फिजिकल प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम की बात करें, आपको टांगों की प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपकी लेग्स पेन रहती हैं, घुटनों में पेन है, आपको जो बैक पेन ज़्यादा रहती है, इट मींस आपका रूट चक्रा वीक है। अब कहाँ होता है मूलाधार चक्रा? जो टेल बोन है वहाँ पर जो तीन मनके होते हैं उसके बिल्कुल पास ये रूट चक्रा होता है। जब हमारी रीढ़ की हड्डी जब हम बैठते हैं वो बेस पर जब टच होती है उसे हम मूलाधार, बिल्कुल जो बेस ऑफ स्पाइन पे, इसको हम मूलाधार चक्रा कहते हैं। अब इसके वीक होने के मैंने आपको बताया, आपके मन में डर ज़्यादा रहता है, आपकी लाइफ में हर चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, बेसिक नेसेसिटी के लिए भी आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको मन में डर रहता है कि आपकी लाइफ को कुछ ना हो जाए, किसी की लाइफ को, आपके आसपास वाली लाइफ को, किसी को कुछ ना हो जाए, तो मेन आपके मन में खौफ ज़्यादा रहता है, सुसाइड की थिंकिंग ज़्यादा आती है। तो रूट चक्रा का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं आज मैं आपको ये बताऊँगी। बहुत से तरीके हैं, किसी को कोई तरीका सूट करता है, किसी को कोई और तरीका सूट करता है, तो आज आपको मैं अलग अलग तरीकों से बताऊंगी रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। पहले तो अगर आप जमीन, अर्थ एलिमेंट से इसका जुड़ाव है रूट चक्रा का, पहले के टाइम में लोग ज़्यादा ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे, नंगे पैर चलते थे, ज़मीन से जुड़े रहते थे, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती थी। अब जो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, तो इसको सबसे इजी वे क्या है, आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाइए, ज़मीन पे बैठिए जितना ज़्यादा हो सकता है, आपके घर का जो फर्श है, जो फ्लोर है, उस पर आराम से जितना ज़्यादा बैठेंगे आपका रूट चक्रा खुलेगा। अब बहुत से लोग नहीं ज़मीन पे बैठ पाते, जितना नंगे पैर आप चलेंगे, बेयर फुट आप वॉक करेंगे, उतना आपका रूट चक्रा खुलेगा। और भी बहुत से तरीके हैं रूट चक्रा को खोलने के। अगर आप योगा में हैं तो जो ताड़ासन है वो आप कर सकते हैं, अगर ये इससे भी रूट चक्रा जो है खुलता है। और आप क्या कर सकते हैं, आप अगर मुद्रा में बिलीव करते हैं तो जो ज्ञान मुद्रा है, आपका जो थंब है ये फिंगर से टच होना चाहिए, ये इस तरह से ज्ञान मुद्रा बनती है, इसमें अगर आप जितना ज़्यादा बैठेंगे तो आपका जो है रूट चक्रा खुलेगा। आपको अपनी थंब को अपने फिंगर के साथ जोड़ना है इस तरह से, तो इस तरह से जितना ज़्यादा आप बैठेंगे आपका रूट चक्रा जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा, बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स देखेंगे तो ये हथेली के जो सेंटर है इसमें अगर आप ये जो सेंटर एरिया है इस एरिया में, यहाँ पर अगर आप प्रेस करेंगे इसको तो आपका जो रूट चक्रा है वो ओपन होगा। ये जो सेंटर का एरिया है इसको आप प्रेस करिए, दबाइए, आपका रूट चक्रा जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं क्रिस्टल्स की बात करती हूँ तो इसमें ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल है, अगर आप कहीं से भी ले सकते हैं,
इसमें रेड जेस्पर क्रिस्टल है, ये भी आप ले सकते हैं। रेड जेस्पर को आप, इससे भी जो आपका रूट चक्रा खुलता है, इसको आप पकड़ के बैठिए 10-15 मिनट इसके साथ बैठिए, तो भी आपका रूट चक्रा जो बैलेंस होता है। और किस तरह से आप रूट चक्रा बैलेंस कर सकते हैं, और इसमें रूट चक्रा में कहते हैं कि एक लाल पंखड़ियों वाला, लाल रंग का 4 पंखड़ियों वाला कमल का फूल है, और इसका बीज मंत्र जो है वो है लम, LAM। तो अगर आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लम की चैंटिंग करते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं, या YouTube में बहुत से म्यूज़िक हैं लम चैंटिंग के भी, तो आप वो भी अगर सुनते हैं तो आपका ये चक्रा एक्टिवेट होता है, इसका कनेक्शन है इसके साथ। तो जितना ज़्यादा लम की साउंड कीजिएगा, टंग को आपको तालू के साथ लगाना है, लम, आंखें बंद करिए, खाली पेट बैठिए और आंखें बंद करके लम का बीज मंत्र बोलिए, और रूट चक्रा पे इमेजिन करिए कि इमेजिन ही एक्चुअली होता है लाल रंग का 4 पंखुड़ी वाला फूल, और उसको क्लॉकवाइज घूमते देखिए। तो साथ में बीज मंत्र बोलिए, आंखें बंद करिए और उस फूल को क्लॉकवाइज घूमते हुए देखिए, इससे भी आपका जो रूट चक्रा है वो बैलेंस होगा। तो अपने रूट चक्रा पे ज़रूर काम कीजिए, क्योंकि रूट चक्रा हमारे शरीर की फाउंडेशन है। जैसे मैंने बोला, आपको शरीर में लोअर बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, दांतों में प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, खून की कमी है, तो ये सब रूट चक्रा से रिलेटेड है। ये आपको बहुत डर लगता है, तब भी आप, हर चीज़ का आपके मन में फियर है, तब भी रूट चक्रा आपका वीक है। तो ज़रूर इसको बैलेंस कीजिए और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आइए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू so much।